राजघाट थाने की पुलिस टीम ने शातिर मोबाइल चोर सत्यम गुप्ता को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के पास से 7 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान गिरफ्तारी का खुलासा करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि शातिर मोबाइल चोर सत्यम गुप्ता कोतवाली सर्किल क्षेत्र में सक्रिय रूप से चोरी करता था। उन्होंने बताया कि कोतवाली राजघाट और थाना तिवारीपुर में महंगे एंड्रॉयड मोबाइल फोन की चोरी करता था। राजघाट थाने की पुलिस टीम ने शातिर चोर को घासीकटरा इलाके से गिरफ्तार किया है, जिसे जेल भेजा जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना राजघाट को एक शातिर चोर के पास से 8 मोबाइल बरामद हुए हैं। यह शातिर चोर सर्कल कोतवाली के थाना तिवारीपुर, थाना कोतवाली एवं थाना राजघाट में घूम घूम कर मोबाइल चोरियां करता था और एंड्रॉइड फोन स्पेशली टारगेट करता था। इसके पास से 7 मोबाइल रिकवर हुए हैं, जिसमें रेडमी और वीवो और अन्य कंपनियों के मोबाइल हैं। इस व्यक्ति को ऊपर पूर्व के भी मुकदमे दर्ज हैं, तो गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और जिन जिन लोगों के मोबाइल हैं उनके IMEI रन करवा के ट्रेस करवा के उन लोगों को उनके मोबाइल सुपुर्द किए जाएंगे। सर, किस तरीके से ये व्यक्ति जो सामान्य तरीके से एक शातिर चोर है, किसी व्यक्ति को पता ना लगे और उसके बाद में उसको रियलाइज होता है कि इसने इस तरह की घटना कारित कर दी है, तो एक चोर है वो। चोरी का कोई ऐसा अलग यूनिक नमूना नहीं है इसके पास, लेकिन हाँ, चोरी की घटनाएं ये समय समय पर करता आया है। इसके पूर्व में कई मुकदमे